वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आया हूँ कुसमी जंगल गोरखपुर, बुढ़िया माता के स्थान। ये माना जाता है ये मंदिर 600 वर्ष पुराना है। तो चलिए चलते हैं बुढ़िया माता के मंदिर में और देखते हैं क्या क्या चीज देखने को मिलता है। फाइनली मैं आ चुका हूँ बुढ़िया माता के मंदिर और ये वही बुढ़िया माता है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो चलिए चलते हैं, इनका दर्शन कराते हैं। ने काफी अच्छे से दर्शन किया एंड लोग कहते हैं कि नवरात्र के बीच में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है और लोग कहते हैं कि देश विदेश से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। और इस जंगल के बीच बीच में विशालकाय मेला लगता है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सकते हैं यहाँ पर आपको प्रसाद वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और अगर आप लोग सामान लेना चाहें तो वहाँ पर सारी चीजें अभी मिल जाएगी। अभी तो मेला लगा नहीं है क्योंकि इसका मेला आपको नवरात्रि को देखने को मिलेगा जो कि श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा होती है। तो चलिए चलते हैं और सारी चीजें आपको दिखाते हैं। जैसे ये मंदिर के बाहर आएंगे आपको सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी और खाने पीने के लिए दुकानें आप लोग खोजते रहेंगे, बट आपको सबसे स्वस्थ और सबसे अच्छा गन्ने का रस मिल जाएगा। सो आगे अभी बहुत सारी दुकान है, चाट फुल्की और आइसक्रीम की भी दुकानें मिल जाएंगी और यहाँ पर आप लोग सामान भी खरीद सकते हैं, जैसे कि टॉय हुआ, चश्मा हुआ और प्रसाद हुआ, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने मंदिर को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया और मंदिर के जैसे ही आप बाहर आएंगे आपको विनोद पार्क के बारे में जरूर सुना होगा। वो यही है विनोद पार्क जो कि इस पे लिखा है पेड़ हो तो हम है। वाकई में पेड़ है तो हम है। हम लोग आए थे विनोद पार्क घूमने, जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंटर किया लोगों से पूछा, वो लोग कहें कि भाई ये विनोद पार्क 2 साल पहले ही बंद हो गया। आपको पता है कि ये विनोद पार्क बच्चों के लिए बनाया गया था खास तौर से और यहाँ पर लोग पिकनिक बनाने आते थे। और यहाँ पर अभी तो फिलहाल बंद है, पहले तो यहाँ पर सारे जानवर देखने को मिलते थे, बट एक हाथी अभी भी ऐसा है कि अभी भी ये यहीं पर रहता है। 1994 में खुला था और तब से ये हाथी है और इस हाथी का नाम गजराज है। मैंने जितना वीडियो दिखाया आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज यार लाइक कर देना और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।